नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी। आज हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर एक रिजल्ट भी प्रूव करेंगे। डेफिनेशन हमारी किस तरह से, इफ़ E1 एंड E2 आर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन आर। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे E1 और E2 अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हैं सच दैट E1 डॉट E2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन वी से E1 एंड E2 आर ऑर्थोगोनल आइडेम्पोटेंट। रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट हमारा किस तरह से, लेट E1 E2 EK आर ऑर्थोगोनल आइडेम्पोटेंट दैट इज़ EI इंटू EJ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी ये सारे क्या हैं, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं और क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल तो हम जानते हैं क्या होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए, जहाँ पे I और J इक्वल नहीं है। देन E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 प्लस EK इज आइडेम्पोटेंट। यानी सम ऑफ ऑर्थोगोनल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इज आइडेम्पोटेंट। इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, A प्लस B का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इस तरह से मिलता है। और इसमें अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें, ai प्लस aj प्लस ak, इस तरह से लिखते हैं। या फिर सिंपली a1 a2 a3 ले लेते हैं और इसका अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस 2a2 a3 प्लस 2a3 a1। तो इसी को अगर हम जनरलाइज कर दें तो हमारा e1 प्लस e2 प्लस डैश 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 प्लस ek का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, e1 स्क्वायर e2 स्क्वायर डैश 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 प्लस ek स्क्वायर प्लस समेसन आई इज नॉट इक्वल टू जे। यानी जितने भी पॉसिबल होंगे ई आई इंटू ई जे, उनका सबका सम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ई आई इंटू ई जे क्या है हमारा, ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे ये सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे ई वन ई टू ई थ्री ई के क्या हैं, ये सारे आइडेम्पोटेंट हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 प्लस EK। तो ये इम्प्लाई करेगा E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 प्लस EK इज आइडेम्पोटेंट। तो ये हमारा आइडेम्पोटेंट हो गया। ये रिज़ल्ट जो है हमें सबसे ज़्यादा काम आता है मैट्रिसेस के लिए। जब हम रिंग ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं और जब उसको हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वही करना पड़ता है इस रिजल्ट का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।